डेटिंग एपिंग ये चैलेंज मेरे तरफ से है, करके दिखाओ। भाई लौंडे पैर में है भाई, 7 किल मार दिया। तो वेलकम डीटी आर्मी, क्या हालचाल है आप सभी के कमेंट में जरूर बताना। डीटी गेमिंग ये चैलेंज मेरे तरफ से है, कोई भी सिंगल गेम में सिंगल गन के साथ 20 किल करना। चैलेंज को थोड़ा सा टफ करने के लिए बॉट का किल काउंट नहीं होगा, सिंगल गन 20 किल चैलेंज करके दिखाओ। अब सोविक भैया के ये चैलेंज सुन के मेरे हाल तो खराब हो गए, और ये चैलेंज लेने का कीड़ा भी मेरे को ही काटा था। मैंने भैया को बोला था कि कोई भी चैलेंज दे दो, बोला तो मैं ऐसे था जैसे हलवा है, कोई भी चैलेंज दें कि मैं कर दूंगा। लेकिन जब ये सुना कि एक ही गन चलानी है तो थोड़ा लगा कि आसान है यार, आराम से कर देंगे। पर जैसे ही सुना कि 20 किल करने, तो पहले थोड़े होश उड़े, उसके बाद भैया बोलते हैं कि बोट की किल काउंट नहीं होंगे। तो आई वॉज लाइक कि भाई ये क्या चैलेंज दे दिया, कैसे मारूंगा एक सिंगल गन से, वो भी 20 रियल बंदे। बोट होते तो अलग बात होती, थोड़े 2-4 मार लेते तो आसानी होती। और इस नए इवेंट में आपको पता होगा कि बंदे झुंड में रश करते हैं, तो अगर 3-4 बंदे आए और गन रिलोड पे डल गई तो मेरे पास दूसरी गन तो होगी नहीं मारने के लिए, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आने वाली है, बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। तो यही सब मैं सोच रहा था और डर लग रहा था कि भैया कैसे करूँगा। लेकिन फिर मैंने गहरी सांस ली और खुद पे भरोसा किया और खुद से कहा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, फोड़ सकता हूँ। तो इसी जोश के साथ गेम के अंदर जाता हूँ और सोचता हूँ कि क्यों ना इस चैलेंज को और थोड़ा हार्ड बनाया जाए, रैंडम के साथ खेला जाए, जहाँ पे किल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि रैंडम्स को थोड़ी ना पता है कि मैं ऐसा कोई चैलेंज कर रहा हूँ, तो वो तो बंदे मारेंगे और उनके मुंह से किल लेना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। प्लस अगर मैं अच्छा खेलता हूँ तो उनकी रिएक्शन भी मिल जाएंगे, तो मज़ा और ज़्यादा आएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये है गाइस कि क्या मैं इस चैलेंज को पूरा कर पाता हूँ। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। अभी टाइम बर्बाद ना करते हुए फटाफट से ज्वाइन करते रैंडम टीम। डीटी एक बॉट, अबे क्या ही बताएं, क्या मतलब बॉट है। मेरे को एक को किक करना था, इसको मैं किक कर देता हूं, बस मेरा मन कर रहा था। एक का केडी इधर लगेगा, केडी देख तू, एक और लगा। अरे तो बस अब खेलते हैं। वाह, उसकी लैम्बोर्गिनी नहीं चमक गई तुम्हें यार। भाई तुमने उसकी केडी देख के किक कर दिया और इसकी केडी क्यों नहीं देखी? अरे इसकी इसीलिए नहीं देखी भाई, तू आ रहा ना, ये को लीडर था क्लैन का, तो अच्छा ही खेलता होगा ऐसा। अच्छा अच्छा बेटा, लीडर का उस दिन तुमने एक का केडी देख के भगा दिया था, वो लीडर तो दूर की बात है, वो लीडर तो तुम भी हो हमारे क्लैन के, तुम्हारी तो नहीं है। तो नहीं, मेरी भी उसी केडी है। अरे मुजोदी क्या कर रहा है, कितनी है तुम्हारी, ध्यान दे रहा 4 की मार दूंगा, बनता है 4 की, दोनों को लड़वा दिया मैंने। कितनी होगी तुम्हारी, अब ये 5 कम करवा दी तूने, बोल के बेटर कहीं का 5 की थी हम का बेटर, आराम ज्यादा क्रॉसिंग में कभी गवान नहीं रहता है, सुअर कहीं का रहता बंदा बेटा। तो रोड पे चलना सिखाएं क्या हम, तो रोडी भाई रोडी मेरे को क्रॉस करवा दिया करो, बस मैं 20 किल निकाल दूंगा। आ तो अंधे होगा, बूढ़े हो गया बालक हो, ये बस रोड क्रॉस करवा दिया भाई, जो एक जगह कवर लेके चलता हूं, 3 जगह से पड़ती है रोड से, पिछले 20 गेम से भाई लिटरली रोड पे मार रहा हूं। पर एवन है मेरे पास, शूट है, अच्छा इसको रेवन कपड़े भी हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि नीचे हमारे एक और बंदा है जिसके पास ब्लड रेवन है, तो देखना इससे फाइट होगी, एक बार नहीं दो दो बार। मैं 50 का हिसाब 50 दे रहा हूं। अरे लौड़े लग गए मां ही कितने, एक बार 68 का हो गया था, तो 70 का हो गया, देखा मैं याद है इससे जब मैं उससे करा था भाई। नीचे बंदा घूम रहा है बे, अभी आपको दो गन दिखाई दे रही होगी, लेकिन टेंशन मत लो, इसको फेंक दूंगा, ऑटो पिकअप के चक्कर में बार बार उड़ जा रही थी गने। अरे कुछ लूट ही कहाँ भाई, मिली नीचे भाई, ये गेम थोड़ी चुका है क्या भाई, इधर लॉगिन पेज पे ढकेल दिया।
वो अलग पीड़ होता है। अरे यार मादर गेम है यार बैन की लड़की ना भाई, लॉगिन पेज पे फेंक दिया भाई। अरे लौड़ी गेम है वो तेरी के। अरे मार ये देख बढ़िया इधर मेन बिल्डिंग से मार रहा है, मेरे पास आजा कोई नहीं है अभी। तो ब्लड रेवन एक्सूट वाले को मारा, साथ ही साथ टीममेट को भी मार दिया उसके। तो ये सीन आपको कैसा लगा बताना जरूर। और यहाँ पे देखो गन फेंकता जा रहा हूँ। अरे एक बता चलिए अपडेट हो गया, हो गया आपको ये अभी तक जिंदा ही है, बच गया मारा कैसे नहीं। मेरा पहला स्क्वाड चढ़ जा रही भाई, या तो कॉल करते ठीक है। मैं गंदा मार रहा हूं ना भाई, ठीक है खेलने नहीं तो नॉट हो। तो यहाँ पे इन भाई के साथ थोड़ा गलत हो गया, इनको मार दिया उतरते ही। और देखता हूँ भाई फिर से दो गन हो गई, तो वापस से फेंकता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। भाई लौंडे पेर में है भाई, 7 किल मार दिया लौड़ा, इधर 0 के इधर गन भी नहीं मिला था छूट के आ गया ठीक है। तो गाइस जैसा मैंने सोचा था कि रैंडम के साथ खेलते रिएक्शन भी मिलेंगे, तो यहाँ पे मिल रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन दिमाग खराब इस बात से हो रहा था कि बार बार दूसरी गन उड़ जा रही है, इसका कुछ सोल्यूशन सोचना पड़ेगा। फिलहाल तो फेंक देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ क्योंकि लड़ाई हो रही है। लड़वा घर में भी हो तो आप लोग सुन रहे होंगे कि रिएक्शन काफी मजेदार मिल रहे हैं। और ठीक है नॉर्मल आवाज बात करता हूँ, तो यहाँ पे किल विल हो रहे थे, लेकिन देखो फिर से उजी उड़ गई। इसको फेंकता हूँ, आगे आता हूँ, बोट मारता हूँ, फिर आता हूँ बड़ी बिल्डिंग की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा था जो कि पहले डीपी चलाया था, हमको मार भी रहा था, मतलब पीछे से उंगली कर रहा था। तो हम आते हैं हाथ दे मतलब मारने पेटी बनाने। तो भाई लोग सही बताऊं तो चैलेंज करने में मजा भी आ रहा था, क्योंकि खतरनाक है यार, मतलब एक गन है आपके पास चांस ही नहीं है गन बदलने का। हाँ बार बार उड़ जा रही थी, इसका सॉल्यूशन मैं ढूंढ लूंगा। जैसे ही आगे बढ़ते हैं देखते हैं नंबर 1 और नंबर 2 ठिल चुके हैं, तो ये लोग बाहर चले जाते हैं। और मैं M4 उठाया था, तो एक्सटेंडेड मैग चाहिए था मेरे को 50 MO वाला, क्योंकि सिंगल गन है भाई, लग सकते अपने अभी वो शब्द निकलने वाला था मेरे मुंह से कि क्या लग जाते। ठीक है अब यहाँ से मैं एक्सटेंडेड मैग ले लेता हूँ, और M4 है क्लोज रेंज मिड रेंज और लॉन्ग रेंज संभाल लेगी। थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हो गई थी, मेरे को लगा बंदा मर गया लेकिन जिंदा था। खैर यहाँ पे इनको मारा, उसके बाद सॉल्यूशन मिल जाता है दूसरी गन नहीं उठने का, मतलब शॉटगन उठाता हूँ, खाली है वो भी तो यूज नहीं कर सकता, तो बार बार उठेगी नहीं ना। और यहाँ पे देखता हूँ कि किल फीड में वो रेवन वाला बंदा फिर से आ चुका है, तो मन में फिर से एक वो चंचलता आ चुकी थी कि इसको तो वापस से मारना है। तो जैसे मैं इधर आता हूँ टीममेट बोलता है सामने बंदे हैं, सामने 4 बंदे थे। अरे कौवे पता नहीं है क्या मेरे सामने लेटना मना है। अरे तो खतरनाक कर फायर दे रहे भाई, ये मैं डर डर के मार रहा था लेकिन फिनिश हो चुका है वो। तो मजा आया हो तो लाइक करो।
ये कौन है भाई? बचा लो इससे, बचा लो यार मेरे को। अरे यार भाई मेरे पास एचपी नहीं थी यार, मारो इसको यार। चलो बढ़िया, यहाँ पे भाई ने बचा लिया अपने को। फटाफट से रिवाइव होते हैं और निकलते हैं फिर से शिकार के लिए। जैसे ही गाड़ी उठा के आते हैं, सामने गाड़ी भागती हुई दिखाई देती है, तो करते हैं पीछा। अबे तहलका मचा देंगे आज तो, चैलेंज है भाई, फुल जोश से खेलेंगे। अबे जोश गया तेल लेने भाई, भागो। तो फाइनली यहाँ पे मैं बच चुका हूँ और पता नहीं मजा आ रहा है वॉइस ओवर करने में। आई होप आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा ज्यादा खुशी में ऐसा ही होता है, कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ और निकलता है। लेकिन आई होप आपको मजा आ रहा होगा वीडियो देखने में। तो वहां से निकल के आते हैं और बंदूक की तलाश में। इसी के साथ यहाँ पे हो चुके 21 किल, बोट के किल भी हटाओ तो अपने हो चुके हैं, बिल्कुल चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि अभी ट्रिपल स्टोरी वाला बंदा भी बाकी है जिसकी किल थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग निकलने वाले होते हैं, तभी टीममेट बोलता है पूरी स्क्वाड है उधर, मार किया देख पूरी स्क्वाड है। ये ट्रिपल वाला, ट्रिपल स्टोरी वाला मर गया क्या? हाँ हाँ, उसको नॉक तो किया था मैंने, लेकिन किल मिल जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। अपन वो बंदों पे चलते जो तुम बोल रहे हो ना, चार है। अरे वोरा वोरा उधर है, इधर है। अरे वो पीछे की साइड देखो, मार्क कर रहा हूँ इधर। अब बोला था ना उसका स्क्वाड है, मारना। तो यहाँ पे इनको खतरनाक तरीके से मारा और मैंने सोच लिया था कि सिर्फ 20 किल नहीं करने, उससे ज्यादा ही करने। तो देखो ज्यादा हो रहे हैं, मजा भी आ रहा है। खैर वहां से निकल के जैसे यहाँ पे आते हैं, सामने एक बंदा दिखाई देता है जो कि शायद से लेटा है, लेकिन ग्लिच के चलते ये भाई खड़े दिखाई दे रहे थे तो मारने में आसानी हुई, स्पॉट करने में आसानी हुई। फिर यहाँ से निकल के और ढूंढ रहे थे तभी सामने कुछ बंदे दिखाई देते हैं। मेरे को तो खड़ा दिख रहा था, अभी आगे तक दो बंदे। ये चार नंबर जो है ना गाइस, बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था किल लेने के लिए, लेकिन मैं लेने नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अपने को चैलेंज करना है। मतलब हो चुका है चैलेंज, लेकिन मैंने सोचा था 30 के आसपास किल करने हैं, तो मैं फुल जोश में था इसलिए से मार रहा हूँ। और हेड था चुकी है। तो इन भाई को मार दिया, लेकिन आप ये देखो कि गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका था, मतलब एंडिंग यहाँ पे आके हुई। थोड़ी पहले होती तो ये मार देता हमको, लेकिन अभी के लिए बच गए। अब दूसरी गाड़ी उठा के मैं निकलता हूँ, तभी हमारे भाई शायद से गेम से गुस्सा थे, सुनो इनकी बातें। 20-20, 25-25 किल करता हो तो 10 मिनट का बैन लगता है, ये क्या चूतिया पाए भाई? मेरा तो नहीं होता। होगा देखो, जिस मैच में तुमको ज्यादा रिपोर्ट मिलेगा ना, सीधा बैन होता है 10 मिनट के लिए। मेरा दो बार हुआ है, एक बार छोड़ के दो बार। अरे मैं क्यों बोल दिया भाई, अब मेरा भी हो जाएगा। मेरे टीममेट्स का भी हुआ है, टीममेट्स का कुछ नहीं, उनके पास कुछ स्किन्स नहीं है भाई। मेरा 13 लाख खर्चा है आईडी पे। तो किल ही नहीं निकाली है। आवाज और बातों से लग रहा है भाई को किल नहीं मिल रही, तो बुरा लग रहा है। चलो कोई ना, अपना तो काम हो गया। आई होप आपको मजा आया होगा। और मैंने जो बात बोली ना कि मेरा तो नहीं हुआ भाई आईडी बैन, क्या पता ऐसा बोलते हैं तभी कुछ होता है ना उल्टा, फिर नहीं ऐसा कुछ ना। प्रे करता हूँ मैं, आप लोग भी प्रे करना। और अगर सोहिक भैया ये वीडियो देख रहे हैं
तो मैं आपको दिल से बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मुझे चैलेंज दिया और मैंने कंप्लीट भी कर दिया। तो आपको कैसा लग रहा है बताना कमेंट में, मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया, आई होप आपको भी आया होगा गाइस। तो अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे कल किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना गाइस। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। मैं थक चुका हूँ आज, वॉइस ओवर में चीख रहा था बहुत ज्यादा।